तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। लगातार मैं हर राज्य के बच्चों से मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि भारत के हर राज्य हर कोने से कमाल का पैशन है, कमाल का डेडिकेशन है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर के। बच्चे आम परिवार में पैदा होते हैं, एक सोच डेवलप होती है कि नहीं उन्हें देश की सेवा करना है। मुझे लगता है इस उम्र में ये सबसे बड़ा निर्णय है और इसी को आज बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ उड़ीसा के दो बच्चे जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली उड़ीसा राज्य की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं टेक्निकली कहना चाहूँगा कि उतनी अवेयरनेस नहीं है रक्षा क्षेत्र को लेकर, डिफेंस फोर्सेस को लेकर के, कि बच्चे बढ़ चढ़ के फौज के लिए अप्लाई करें। बट मुझे लगता है कि अब शुरुआत हो चुकी है और शायद ये बात कई राज्यों के लिए लागू होती थी। हम उड़ीसा की बात कर लें, हम गुजरात की बात कर लें या हम बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जिनकी हम बात करना चाहेंगे, बट टेक्निकली मैं नहीं कर रहा हूँ। बट ये हालात थे कि वहाँ उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रही है। बट आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि अब हर राज्य विशेष से बच्चा निकल रहा है और फौज के लिए लग करके तैयारी कर रहा है। तो आज इन बच्चों के जज्बों को हम समझेंगे, कैसे उड़ीसा के लाल बिल्कुल लगने वाले हैं और मुझे यही गर्व होगा कहते हुए कि इन्हीं बच्चों से एक शुरुआत होगी सक्सेस की और ये सफलता लेके वाकई में उड़ीसा के राज्य के लाखों लाख बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो उड़ीसा राज्य का हर बच्चा फौज ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज इस कड़ी में हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आप सबका। एंड सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है आपका? अमन ज्योति बेहरा। तो बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा ओनली? हाँ यस सर, भद्रक से। अच्छा, तो वहीं पे आपका जन्म हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपके फादर से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो आए थे तो थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट में थे, डिफरेंट जगह थे। क्या लगता है आपको, जो जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हुई है, इसका पैशन पहले से था कि अभी शुरू हुआ, क्या है ओवरऑल, कुछ बताएं अपने बारे में। जी सर, जब मैं 8th class का था तब से मेरे भैया ने बताया एनडीए के बारे में, तब से मेरे एनडीए में जाने की सपना है। तो बेसिकली भैया ऑलरेडी सर्विंग है फौज में? यस सर, एमी में है। एमी में है इस समय। तो दो भाई हैं आपके? यस सर। दोनों फौज में हैं? यस सर। और दोनों भाई ने कहा तुम जाओ कमीशन के लिए? हाँ यस सर। तो आपको अंतर समझ में आता है कि भैया फौज में किस जॉब में है और आप किस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, भैया ने बताया कि वो पहले एनडीए की मेहनत करते थे, जब एनडीए नहीं बजा हुआ तो वो एमी में ज्वाइन किया, लेकिन वो मुझे बोलते कि भाई तू एनडीए ही करना, तेरे को ऑफिसर ही बनना है। क्या बनना है? ऑफिसर लाइक किंग इन द डिफेंस फोर्सेस। हाँ यस सर। तो बिल्कुल वो चीज़ वो चाहेंगे कि उनका भाई जो है वो ऑफिसर बने। तो अभी जैसे कि भाइयों ने प्रेरणा दी और आपकी शुरुआत हुई, आपने कहा कि 8th class से ही प्लान हो गया था। यस सर। फिर जैसे ही 12th का एग्जाम डन किया तो ओडिशा बोर्ड से एग्जाम दिया कि सीबीएसई बोर्ड से? ओडिशा बोर्ड से। ओडिशा बोर्ड का एग्जाम कब से कब खत्म हुआ? ओडिशा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ February 28 को। ओके, रिजल्ट्स? रिजल्ट्स मई 30 को आने वाला है। अच्छा, मई 30 को आने वाला है। चलिए, क्वाइट कॉन्फिडेंट है रिजल्ट को भी लेके? यस सर। कितने परसेंटेज आ रहे हैं सर? 85। सबस। तो क्या जेई वगैरह एग्जाम भी अपीयर हुए थे? जेई वगैरह एग्जाम दिए थे लेकिन नहीं सर, अपीयर नहीं हुए थे। अच्छा, मतलब फॉर्म नहीं भरा उसका? हाँ। क्यों नहीं भरा, जानकारी नहीं था? नहीं सर, फॉर्म भरे दिए थे। ओके। भाई अपीयर भी हो चुके थे भाई। जनवरी वाले में हुए थे कि अप्रैल वाले में? अप्रैल वाले में। ओके, कितना अभी अप्रैल वाले का रिजल्ट नहीं आया कि आ गया? आ गया। कितना परसेंटाइल है? 32। चलो, रैंक कितनी गई है? रैंक सर नहीं पता। रैंक नहीं पता, देख लेना चाहिए। रैंक बड़ा होता है सर तो। हाँ, रैंक कोई बात नहीं, रैंक होगी। अभी आर्मी टीएस नेवी टीएस का फॉर्म आने वाला ना? यस सर। तो तेरे को भी भरना है इसलिए मैं पूछ रहा था। यस सर। ठीक है ना, वो भी फॉर्म हम लोग फिल कराएंगे। एनडीए का बच्चा, जब से आप आए हो, जैसे बाहर राज्य से आप आए यहाँ पर, तो कैसा हुआ, एडजस्टेबिलिटी में दिक्कत हुई या एडजस्ट हुए, कैसे माइंड सेट हुआ, कुछ बताएं। नहीं सर, जब मैं आए पहले तो सर हमारे वहाँ का खाना पीना सब अलग है, यहाँ का अलग है। हाँ सर। हाँ। तो थोड़ी पहले थोड़ी दिक्कत होती है, अब थोड़ा मैनेज करने में एडजस्ट लगना सीख गए। हाँ, यही फौजी लाइफ है। हाँ, सीखना तो पड़ेगा। ओके, बेसिकली खाने में क्या अंतर होता है? जैसे यहाँ सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनता है। हाँ। तो आप लोगों के यहाँ क्या बनता है? हाँ, वहाँ पर भी चावल अधिकतर बनता है और चावल ही खाना है। तो चावल के साथ ज्यादा वेज रहता है कि नॉन वेज? नॉन वेज ज्यादा रहता है। नॉन वेज ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो वेज थोड़ा सा चैलेंज होता है क्योंकि नॉन मच्छी खाया है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा मच्छी या मुर्गा क्या खाते हैं? मछली मुर्गा दोनों खाते हैं। अच्छा, दोनों खाते हैं, बट नॉन वेज ज्यादा रहता है सर। ओके, अब अगला जो सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चा, कि अब एनडीए की तैयारी में आप लगे हुए हैं और जैसे कि आपने बताया कि 85% है, तो आप एक अच्छे स्कॉलर रहे होंगे अपने स्कूलिंग टाइम में।
एनडीए का सिलेबस आप देख रहे हैं, क्लासेस की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है आपकी, लक्ष्य भी आपके सामने है 3 सितंबर। यस सर। कैसी तैयारी चल रही है और क्या लगता है कि वाकई में इस एग्ज़ाम को आप कर सकते हैं? सर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस भी अच्छी है, यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी चलती है और लगता है कि क्वालिफाई हो जाए। लगता है? हाँ सर, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस सर। तो जैसे अभी आप लोगों का क्या फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हुआ? नहीं सर, फर्स्ट यूनिट टेस्ट मई 28 को प्रोजेक्टेड है। तो ये पहले टेस्ट से आप गुजरेंगे अपने। यस सर। तो सबसे बड़ी चीज़ यही, सबसे पहला प्रश्न मेरा होगा कि जो टॉपिक आपके, जैसे मान लो मैथ के जो टॉपिक हैं, तो जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए, क्या उसके बाद जितने भी सवाल बुक में थी या प्रीवियस ईयर थे उन पे बेस्ड, क्या उनको आप लगाए? ये सर तो लगाए तो कोई नहीं आया, तो क्वेश्चन नहीं आया तो सर से पूछ लें, डाउट काउंटर पे आके उसको पूछा। हाँ, आपने? हाँ सर। अच्छा सर, तो प्रीवियस ईयर लगाने में सक्षम हो रहे बेटा? देखो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बड़ी खुली बात सबसे कर रहा हूँ और ये कोई मतलब पैनल के लिए नहीं मैं कहता हूँ, मैं ऑनेस्ट ये कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उस टॉपिक पे बेस्ड आप प्रीवियस ईयर लगा ले रहे हो, तब तो समझो कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको उस पर फिर से काम करने का ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो वाकई में एग्ज़ाम को क्रैक करना। यू नो बेटा, डे बाय डे कंडीशन इज़ गोइंग वेरी वर्स, ये जब से ऑनलाइन की दुनिया आई है इसने बिल्कुल ध्वस्त कर रखा है, यू नो। और ये जो वर्चुअल दुनिया है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा फेकिज़म भी है, जैसे कि हर इंस्टीट्यूट के हजारों सिलेक्शन हैं, तो 100 इंस्टीट्यूट 1000 सिलेक्शन बोले तो 1,00,000 सिलेक्शन, और उधर 8,000 निकालने पे यूपीएससी की हालत ख़राब है, सीट 500 ही। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियलिटी। तो ये बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे कि बच्चों को फेक चीज़ों से कैसे बचाया जाए। नाउ सेकंड, ऑनलाइन वर्चुअल से क्या होता है कि टीचर भी वही पढ़ा रहा है जो हल्का है, तो उसमें बच्चे को भी मज़ा आ रहा है और टीचर को भी मज़ा आ रहा है, वो रियल चीज़ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे आप रियल चीज़ पे जाते हो आपका हार्डवर्क बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, इंटरेस्ट लेवल उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा हल्की चीज़ों को करने में आता है। बट यूपीएससी इज़ अ सीरियस एग्जामिनेशन, दैट्स वाई आई आस्क एवरी स्टूडेंट वेरी क्लियरली, बिकॉज बींग एनडीए एस्पिरेंट मैं भी वही रहा हूँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, हम लोग का भी जो रिटन क्रैक होता था उसका कोर यूएसपी यही था कि आफ्टर एवरी टॉपिक जो हम पढ़ते थे, कंप्लीट करते थे कॉन्सेप्ट, बी अप्रोच ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, हम हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच करते थे, और जब तक हम प्रीवियस ईयर लगाने में सक्षम नहीं हो जाते थे उन टॉपिक पे बेस्ड, तब तक हम मानते ही नहीं थे कि हमारा कॉन्सेप्ट पे कमांड है। इसलिए बेटा ज्योति बहरा, मैंने आपसे भी वही चीज़ पूछा कि ऑनेस्टली जो टॉपिक आपने पढ़ा, क्या उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर आपने अप्रोच किए कि नहीं किए? ये सर किए। आप लगाने में सक्षम हुए उस चीज़ को? थोड़ी तो दिक्कत होती है प्रीवियस ईयर, क्योंकि समझ नहीं आता है, तो जब उसका लेवल हाई होता है तो फिर उसको आके डाउट काउंटर पे टीचर के साथ क्लियर किया आपने? यस सर। आपको पता होना चाहिए, आपको सारे सवाल का हमने सोल्यूशन भी दे रखा है क्लासरूम ऐप पे, तो उधर से भी आपको जाके सपोर्ट लेना है, ठीक है बेटा? और इसकी क्रम बड़ा सिस्टमैटिक है, जैसे किताब आपको जो मिली है मेरे बच्चा, उसमें सब टॉपिक वाइज हमने दिया आपको, क्या दिया हुआ है? सब टॉपिक। द रीज़न कि आपने एक सब टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा ली, दूसरा सब टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, क्या बढ़ता है? इंटरेस्ट बढ़ता है। और धीरे धीरे जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट, फिर आप आसानी से मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर जाके क्या करो बच्चा, अप्रोच करो, रिजल्ट सच्चाई से आएगा, क्या आएगा? सच्चाई से। हाँ, इस बार हर एमकेसीएन को रिजल्ट लाना है, हम लोग अभी से लग के मेहनत करना क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, हर बच्चे को ये रियलाइज कराने लगे हैं कि रिजल्ट किसी और के दम पे नहीं आता है, रिजल्ट अपने दम पे आता है। जब आप डिसाइड कर लोगे सर करना ही करना है ना, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो दैट फोकस व्हाट एग्जैक्टली आई नीडेड टुडे, ठीक है ना? और मैं हर बच्चे को कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कल संडे को भी मुलाकात है, तो जितने भी बच्चे जो है सिलेक्टेड हैं उनके साथ एक गेट टुगेदर है, इंट्रैक्शन है, तो यू शुड नो लाइक हाउ दे डू हार्ड वर्क, जितने भी एमकेशन क्वालीफाई होते हैं कैसे उन्होंने मेहनत किया, ठीक है ना? एंड वन थिंग वेरी स्ट्रेट कि जो बच्चा मेहनत करता है अमन ज्योति, वो बच्चा सिलेक्ट हो ही जाता है, उसमें कोई मतलब डाउट का बात है ही नहीं, दिस इज ऑल अबाउट। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द हार्ड वर्क। तो अब एक लाइन में मैं आपसे पूछूंगा, एनडीए क्यों ज्वाइन करना है आपको? सर एनडीए में तो मुझे जाना है, बहुत इंटरेस्ट है एनडीए में, क्योंकि ये मुझे भाई पसंद है बहुत, और एनडीए जाना है मुझे। कभी सोचा इसके लिए कि कुछ कारण भी हैं आपके पास, कि केवल भैया ने कह दिया इस वजह से आप जा रहे हैं? नहीं, कुछ कारण नहीं है, इसे जाना है मुझे। नहीं, दैट्स गुड, बट आपको एक कारण भी तलाशना होगा।
कि आखिर किस कारण से आपको एनडीए ज्वाइन करना है। कहते किसी चीज को पाने के लिए आपके लाइफ में क्यों जरूर होना चाहिए, बोले तो वाई होना चाहिए, विदाउट वाई हाउ विल गेट द थिंग्स एग्जैक्टली, तो वो भी बेटा आपको लाना है, ठीक है ना। क्योंकि एनडीए के अंदर सफलता बिच्छा केवल एकेडमिक्स पे नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट होता है, दैट मीन रिटन एंड देन एसएसबी, एंड यू नीड टू बी बेटर इन बोथ एस्पेक्ट। सबसे कम उम्र में सबसे बड़ी और सबसे क्रेडिबल जॉब है, लेकिन सबसे कम उम्र में सबसे मैच्योर सेंसिबल भी आपको होना पड़ेगा, तभी उतनी बड़ी जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट्स योर नेम? सर अंकित कुमार सिंह। सर अंकित, अंकित आई टोल्ड कि लाइक अभी कंप्लीट उड़ीसा में, तो पूरी पढ़ाई उड़ीसा में ही आपकी हुई? नहीं सर, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ। अच्छा, यू जस्ट डिड एवरीथिंग इन द सीबीएसई बोर्ड। तो कल रिजल्ट आ गया? नहीं सर, मैं तो ड्रॉपर हूँ। 2022 में किया? यस सर। चलो, तो फिर 2022 से लेके अब तक क्या हुआ? सर मैं पहले जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। okay. जेई में मार्क्स आ गए, तो मैं अब सोच रहा हूँ 3-4 महीने फोकस कर दूँ। यस सर, बिल्कुल, ये भी रास्ता खड़ा हो जाए। तो ये मेरे को बता भाई कि जेई में तेरे कितने मार्क्स आए? 64% आए। क्या बात है। और टीएस का भी फॉर्म अप्लाई किया था? नहीं सर, अभी किया तो नहीं हूँ। अब करना है? जी सर। इस बार वाला दिया था जेई? हाँ, इस बार इसी बार में दिया। तो जनवरी में वाला कि अप्रैल वाला? सर मेरे अप्रैल में ही ज्यादा मार्क गए थे। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़िया, अप्रैल वाला पिक करके चलेंगे, ठीक है। तो ये 64% में, तो रैंक कितनी जा रही होगी इसमें? रैंक सर मेरे को लग रहा है अंडर 4 लाख ही होंगे। कितना है क्या पता सर? रैंक सर 64% किसी नॉर्मल बच्चे के आ जाए तो रैंक क्या दिखता है। हाँ सही बात है, रैंक की इच्छा उसमें, लेकिन अभी रैंक इसलिए देखना पड़ता है ना, आर्मी टीएस नेवी टीएस के लिए जरूरत होती है। बहरहाल उधर भी बहुत अप टू 9 लाख तक कर दिया था नेवी के लिए, इस बार आर्मी टीएस की भी रैंक अप टू 4 लाख तक जाने के या 5 लाख तक के चांसेस बन रहे हैं। तो यू हैव ए स्कोप फॉर दैट ओवरऑल कि हाँ ये दोनों फॉर्म फिल करने करने हैं, वो मैं अपेयर करूँगा, आप कनेक्ट रहिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है बच्चा। ओके, तो आपके पास एनडीए इधर अप्रैल वाला एनडीए दिया था क्या? अप्रैल वाला एनडीए? हाँ। नहीं सर, ये वाला मिस हो गया था। अच्छा, अभी अगला ही टारगेट है? हाँ, सितंबर। सितंबर फोकस है। अगर टीएस का फॉर्म, तो बिकॉज 64% पे आपका कॉल लेटर आ जाएगा, आर्मी टीएस का भी आ जाएगा, नेवी का भी आ जाएगा। तो यू हैव 3 SSB, वाया एनडीए, वाया आर्मी टीएस एंड वाया नेवी टीएस। ओके, तो बेसिकली जब से आप आए हैं, लाइक हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, और क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी है 3 सितंबर को आप क्या करने वाले, बताएं कुछ। सर देखिए, वैसे तो जेई देने का एस्पिरेंट का जो होता है उसका मैथ वैसे ही बेसिक क्लियर होता है। मैथ फिजिक्स इज ऑलवेज गुड सर, बस अब कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है सर। वेरी गुड, एनडीए में जाने के लिए कंसिस्टेंसी तो जरूरी होती है, बहुत जरूरी है। एंड व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड, लाइक जब आप एनडीए के सिलेबस से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिलेबस का लेवल क्या है, कैसे है, किस तरह मेहनत करना, क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? सर वैसे तो देखा जाए तो साइंस स्टूडेंट होने के थोड़े फायदे हैं और थोड़े नुकसान है, लेकिन ज्यादा फायदे हैं। ज्यादा फायदे हैं। जीएटी पोर्शन थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, यो हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेशली, लेकिन सर यहाँ के टीचर अच्छे हैं सर, समझाते एक हैं, बता भी देते हैं कि इतने ये इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इस स्ट्रीम से हैं, इस स्ट्रीम से हैं, तो आपको ये कर लेने चाहिए, ये आएंगे ही। जी जी बिल्कुल, एक एनालिसिस के साथ है, यहाँ का मटेरियल भी वैसा ही है। हाँ, अगर आप उतना भी कवर कर लोगे तो एग्जाम में आप अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है। तो आपका कैसे सपना बना कि आई रियली वांट टू जॉइन द एनडीए? सर वैसे तो मुझे मेरे पर्सनालिटी से देख के लगता नहीं कि मैं वैसा हूँ, लेकिन सर फिट फाइन बच्चे बिल्कुल, लेकिन मुझे डिसिप्लिन लाइफ बहुत अच्छी पसंद लगती है सर, इसलिए मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहता था। मैंने वो आर्मी स्कूल के भी फॉर्म भरे थे, एग्जाम भी दिए थे, उस टाइम थोड़ा बच्चा था तो इतना क्लियर कर नहीं पाया, फिर पता चला कि 12th के बाद एनडीए भी दिया जाता है, टीएस है, उसके बाद इसमें थोड़ा करेक्ट कर दो, 12th के बाद नहीं, 11th के बाद। अच्छा सर, अपीयरिंग से ही दिया जाता। हाँ, है जैसे आपके दो चांस, क्या आपके तो काफ़ी चांस मिस हो गए। हाँ, आपका 2021 सितंबर मिस हुआ, फिर 2022 का अप्रैल गया, फिर सितंबर गया, और फिर ये 2023 का अप्रैल भी गया, तो अभी तक आपके 4 चांस जा चुके हैं। ये डेट ऑफ बर्थ कितनी है सर? 11/3/2005। ये है कि लकी एज लिखाए थे, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी क्या हुई, मिल गई ओवरऑल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो है, तो एनडीए के इंस्पिरेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ रहा है फौज में? सर वैसे तो मेरे नाना जी वो होम गार्ड होता है, उस टाइम सीआरपीएफ, जो अभी सीआरपीएफ हो गया है, वो पहले होम गार्ड था, राइट, तो वो थे, इसलिए मुझे थोड़ा देख के अच्छा लगता था नाना जी जब थे, वो भी अभी तक फायदा उनके गिनाते रहते हैं कि एनडीए में जाओ तो, मतलब आर्मी में जाओ या वैसे डिफेंस में जाओ तो पर्सनालिटी जो होती है सब डेवलप हो जाती है, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, exactly, तुम्हें वो सब मिलता है जी। बस सर इसीलिए। चलिए बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि आप समझदार काफ़ी हैं,
इसी समझदारी के साथ प्रयास करिए, आपको स्कोप है एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे उड़ीसा में मैंने देखा कि उतना ज़्यादा अवेयरनेस फौज को लेके नहीं है, तो क्या कारण है इसके पीछे? सर वैसे तो बोला जाए, मैं जितना जानता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, रहते हैं हम उड़ीसा में। अब फाइनली शिफ्ट हो गए जी सर। नहीं बिहार में तो आ गए, बिहार तो मतलब वो फौज चाहता ही चाहता है, हमें कोई कहने का पॉइंट ही नहीं है सर। वैसे उड़ीसा, अच्छा नाना का घर आपके बिहार में ही होगा तभी आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको। जी जी सर, वैसे तो देखा जाए उड़ीसा में ज्यादा तो लोग ना सेटल होने वाले माइनर, वो थोड़ा इतना रिस्की नहीं लेना चाहते। अच्छा मतलब सुकून चाहिए। यस सर, नो रिस्क, कह दो एक ही जीवन मिला है थोड़ा तो एडवेंचर कर लो यार। जी सर, मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो सब भी ऐसे थोड़े बोलते हैं ये नहीं कर लेंगे तो वो कर लेंगे। सुकून की जिंदगी तो जानवर भी जी रहा है, डेली खाता सोता खाता पड़ा है, कोई मतलब है किसी चीज का क्या नहीं। तो इफ यू डोंट हैव अ चैलेंजेस इन द लाइफ तो आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब दोस्तों का भी यही रहता है कि मतलब वो भी सिक्योरिटी गेम खेलते रहते हैं? हाँ सर, वो भी इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते लाइफ में। इसमें रिस्क क्या है? वही सर, वो जैसे मैंने अभी नॉर्मली उड़ीसा का कोई बच्चा इतना ड्रॉप लेके पहले जे की प्रिपरेशन करता फिर इंडिया की प्रिपरेशन करता, ये करता नहीं सर। हाँ ये तो सच है, ये तो बिल्कुल कोई करता नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ईश्वर करे आपको जल्द सफलता मिले, क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं अपना पैशन जीने के लिए, अपना इमोशन जीने के लिए। तो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उड़ीसा के बच्चों को, फौज अभी आप क्योंकि कनेक्ट हुए हैं, आप आए हैं, तैयारी देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर वैसे तो उड़ीसा के बच्चे समझदार बहुत होते हैं, लेकिन वो थोड़ा चंचलता उड़ीसा के लोगों में बहुत बड़ी होती है, चाहे बड़े हों या छोटे हों, चंचलता बहुत बड़ी होती है जी सर। तो फिर वही है, बोलना चाहूँगा कि सर कि डिफेंस में भी ट्राई करते रहें सर। वहाँ के बच्चे थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेरित हैं, लेकिन डिफेंस में इतना हाथ कोई नहीं मारना चाहता सर। डिफेंस में जबकि करियर ऑप्शन बहुत है। हाँ सर, अगर आदमी अवेयर हो जाए तो 10+2 लेवल पे गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना करियर ऑप्शन और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है जितना कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ का। चलिए बहुत बढ़िया। एक देना चाहेंगे ये भी बताएं भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे उड़ीसा के बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना चाहूँगा तो सर, उड़ीसा में तो सर गवर्नमेंट जॉब ये वगैरह तो जब बहने होता है गवर्नमेंट ये बहुत क्वालिफाई होते हैं, लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा डिफेंस में ही बहुत सारे स्कोप है, डिफेंस में ही बहुत सारे चॉइस है, इसमें ही थोड़ा ट्राई करिए, ट्राई करिए और माहौल बदलिए एक बार। हाँ कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। यस सर, और आप सब इसका इनिशिएटिव लीजिए, आप पहले सक्सेस लीजिए तो ऑटोमेटिक आपके पीछे बहुत सारे लोग सक्सेस लेते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ऐसे ही कारवां में लगातार लाता रहूँगा और हर राज्य विशेष के बच्चों से एक मुलाकात मेरी जारी रहेगी, ये प्रेरणा क्रिएट करने के लिए कि मुझे लगता है कि इस देश की जिम्मेदारी हर कंधे पे है, हर राज्य पे है, हर जो है यंगस्टर्स पे है, हर बच्चे पे है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी राज्य से हों, आप सबकी जिम्मेदारी के बढ़ चढ़ के लिए फौज में हिस्सा लीजिए। बहुत आसान है, बस एक डेडिकेशन चाहिए, जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, विश यू गुड लक, और ऐसे ही सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय।